सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एसएससी जेई एग्जामिनेशंस और ऑल स्टेट एईजेई एग्जामिनेशंस के लिए डेडिकेटेड क्रैश कोर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। ये आप इस क्रैश कोर्स का सेकेंड वीडियो जो है उसको देख रहे हैं और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा हुआ था, बेसिक्स मैंने जस्ट आपको बताया हुआ था। पिछली क्लास नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं आप। अब आज की क्लास में उसी पार्ट से वहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा, एकदम मस्त से बेसिक डिटेल के साथ देखेंगे कि आज का टॉपिक क्या क्या है और कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँ ऑन द सेम टॉपिक ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं, आज का टॉपिक क्या रहेगा। देखिए आज का टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पहले आपको दिखा दें, आज का कंटेंट का पार्ट क्या क्या है। तो आज हम लोग आज के सेशन पर पढ़ने वाले हैं, कल तक हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा हुआ था, एटम के साथ उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में देखे हुए थे। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग एटम के स्टेट्स के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे स्टेट्स ऑफ एटम, ठीक है। एटम्स के कितने स्टेट्स होते हैं वो सभी स्टेट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर आज की क्लास में पढ़ेंगे, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा भाई, तो जो सेकंड टॉपिक है आपका वो क्या रहेगा। तो फर्स्ट टॉपिक तो ये हो गया स्टेट्स ऑफ एटम, ठीक है। देन योर सेकंड टॉपिक विल बी, जो सेकंड टॉपिक आपका रहेगा वो स्टेट्स ऑफ एटम पे नहीं डील करेगा, बल्कि वो नेक्स्ट पॉइंट पर हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर यानी कि मैटर जो है उसके ऊपर डील करेगा, ठीक है, और उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक रहेगा आज का। तो फिलहाल फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्टेट्स ऑफ एटम। एटम जो होते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा उसका क्विक सा एक रिकैप आपको बता दूं। एटम के बारे में हम लोगों ने बात किया कि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल जिसको माना जाता है, दैट इज एटम। तो मतलब अगर किसी चीज़ के ऊपर आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा दें तो उसके बावजूद आखिरी में जो बचा हुआ पार्टिकल रहेगा दैट इज एटम, ऐसा माना गया, ठीक। तो किसी चीज़ को अगर इंटीग्रेट करते चले जाएँ तो लास्ट में जो बचा हुआ लास्ट रिमाइंडर जो बचेगा दैट विल बी एटम, ऐसा माना गया। फिर ग्रेजुअली आने वाले समय पर थ्योरीज आई जिससे कि ये समझ में आया कि उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं विच आर नाउ नोन एज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल की कैटेगरी में आ गया इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक। तो ये उस यहाँ पर हमको समझ में आया कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो एटम के सेंटर मोस्ट कोर के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होती है ना अलग अलग एनर्जी बैंड्स पर उसके एलिप्टिकल ऑर्बिट पर घूमती रहती हैं, चक्कर काटती रहती हैं किसी भी न्यूक्लियस के। और वहाँ पर जब फोर्स की बात आती है कि कितने फोर्स से ये लोग अट्रैक्टेड रहती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्योंकि सभी चार्ज पार्टिकल है एक्सेप्ट द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियॉन सेक्शन है, न्यूक्लियॉन सेक्शन का मतलब हो गया कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को मिला करके फॉर्म हुआ सेक्शन। तो न्यूक्लियॉन रीजन जो होता है ये होल्ड करता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को। न्यूट्रॉन्स में तो चलो कोई चार्ज नहीं है, बट प्रोटॉन्स जो होते हैं इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होती है, मास भी सबसे ज़्यादा इनके ही अंदर होता है, ठीक है। इसके मास के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे कि 1.672 × 10⁻²⁷ kg का मास ये लोग होल्ड करते हैं। और अब दूसरी तरफ जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है वो प्रोटॉन्स की तुलना में बहुत कम रहता है। कितना रहता है, 9.11 × 10⁻³⁹ kg के आसपास। तो मतलब उनके तुलना में बहुत ज़्यादा छोटे, कितना छोटे, 1835 गुना लेस इन मास होता है इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ऐसा कंपेरेटिव फॉर्म में आपको पूछ सकता है। तो ये कुछ कुछ का रिकैप मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि फटाफट से आपको याद आ जाए कि हम लोग पिछली क्लास में ये सब पढ़े थे। तो ये उनके मास के बारे में बात किए थे, वो कितनी चार्ज स्टोर होल्ड करते हैं अपने अंदर उसकी बात किए थे, और एक कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सारा कुछ पैरामीटर्स हम लोग देखे थे, ठीक। अब आज की क्लास में आगे चलते हैं और बात करते हैं उन्हीं एटम्स के बारे में नेक्स्ट स्टेप पर कि एटम क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो बेसिक चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिए। अब एटम का स्टेट कितना हो सकता है, वो कितने स्टेट्स पर अवेलेबल हो सकता है। सो बेसिकली हम लोग लिखते हैं कि देयर आर, हम लोग मेजर स्टेट्स की बात करेंगे कि देयर आर मेजरली फाइव स्टेट्स ऑफ एटम। कोई भी एटम आपको कितने स्टेट्स में अवेलेबल दिख सकता है, कितने वेरिएशंस में अवेलेबल मिल सकता है। तो सबसे पहला स्टेट होता है, सबसे फर्स्ट वाला जो स्टेट है दैट इज द स्टेबल स्टेट। तो नेचुरली कोई भी एटम आपको इसी स्टेट पर दिखाई देगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज द स्टेबल स्टेट। ये कौन सा स्टेट होता है भाई, स्टेबल स्टेट में इसकी खासियत क्या होती है, बस मेन खासियत लिख लीजिएगा। स्टेबल स्टेट की खासियत ये होती है कि यहाँ पर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सबसे बड़ी खासियत, स्टेबल स्टेट का अगर कोई एटम है तो उसके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स संख्या में बिल्कुल बराबर होंगे, मास में बिल्कुल फिक्स्ड और स्टेबल कंडीशन में होगा, नो एक्सचेंज ऑफ चार्ज विल बी देयर, नो एक्सचेंज ऑफ चार्ज और चार्ज्ड पार्टिकल, नो एक्सचेंज ऑफ चार्ज और एमिशन इज ऑब्जर्व्ड बाय स्टेबल एटम। तो स्टेबल एटम इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है ना, वो चार्ज एक्सचेंज करता है किसी से, ना चार्ज का एमिशन नहीं कर रहा है, किसी टाइप का रेडियो एक्टिव एमिशन या डीके जो है ऐसा कोई कंडीशन आपको नहीं शो करेगा। सो दैट इज अ स्टेबल स्टेट ऑफ द एटम, ठीक है। कार्बन जो है उसका स्टेबल स्टेट के फॉर्म में, या जितने भी हम एटम्स बताते हैं सबको उसके स्टेबल स्टेट में आइडियली हम लोग शो करते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया बेसिक कंडीशन। नाउ द सेकंड वन, सेकंड स्टेज क्या होती है, सेकंड और क्या वेरिएशन होता है, सेकंड जो स्टेट होता है दैट इज नोन एज द आइसोटोपिक स्टेट। आइसोटोपिक स्टेट मतलब अब एटम के आइसोटोप्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। अब सेकंड जो स्टेट है उसके मुताबिक, उसके हिसाब से एटम्स अपने आइसोटोपिक स्टेट में भी विजिबल हो सकता है आपको, मतलब आइसोटोपिक स्टेट में भी मिल सकता है। तो इसके कंडीशंस क्या है, चलिए इसका रीजन सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहां पर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही छोटे छोटे एक एक लाइन में मैं इसलिए लिखवा रहा हूं आपको कि बहुत लेंथी थ्योरी लिख दोगे तो मेन जो काम की चीज है वो छूट जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा, वो ढूंढना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा ना। उससे अच्छा सिर्फ उतना ही लिखिए जो काम की चीज है, उतने से आप समझ जाएंगे कि क्या बताना है आपको। थोड़ी ना कहीं पे थ्योरी लिखनी है बहुत ज्यादा, आपको तो एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने हैं ना इस डेटा से, ये आपके समझने के लिए है केवल। तो आपके समझने के लिए ऐसे प्रीसिस फॉर्म में मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन अगर उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या बदल जाती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, इन एनी केस मटेरियल जो है या वो एटम जो है वो अपने आइसोटोपिक स्टेट में मिलना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है, आइसोटोपिक स्टेट में मिलना शुरू हो जाएगा। अब जब मैंने बोला डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये समझिएगा कि पिछली क्लास में मैंने आपको न्यूट्रॉन्स का मास भी बताया था, अगर उससे आप रिलेट कर सकें तो आप ये समझेंगे कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए प्रोटॉन्स की संख्या से या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर मात्रा में है लेकिन मान लीजिए न्यूट्रॉन ज्यादा है तो मास जो होगा उस वाइज अनस्टेबिलिटी हो जाएगी ना, कि मास तो डिफरेंट हो जाएगा वहां पर, तो मास भी तो चेंज होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। एक और पॉइंट वाइज लिखवा देता हूं मैं कि दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है इनकी। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो इस तरीके के ये होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में यहाँ डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग क्यों हो गई सर? फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए अलग हो रही है क्योंकि मास में डिफरेंस आ गया ना इनका। आप चाहो तो इस पॉइंट को अलग से आप नोट कर सकते हो कि डिफरेंट मासेस, दे हैव डिफरेंट मास। चलिए अब इसमें और ज्यादा डेप्थ मैं नहीं लेके जाऊंगा आपको, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, डिफरेंट मास हो गया। अब जैसे इसके एग्जाम्पल में आप क्या समझ सकते हैं, इसके एग्जाम्पल पर आपको मैं लेके जाऊं, उससे पहले इसका मैं टाइप आपको बताता हूं कि आइसोटोपिक स्टेट के अंदर भी क्या टाइप हो सकता है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन बना हुआ था तो उसी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं। तो आइसोटोपिक स्टेट भी दो प्रकार का होता है, लिखते हैं इसको, आइसोटोपिक स्टेट
आइसोटोपिक स्टेट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। आइसोटोपिक स्टेट दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि आइसोटोप तक हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में अगर पढ़ लेंगे तो आपको आगे का पॉइंट रिलेट हो जाएगा। तो पहला जो टाइप होता है, फर्स्ट इज द स्टेबल आइसोटोप्स, स्टेबल आइसोटोप, और सेकेंड वन इज द अनस्टेबल, अनस्टेबल आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोपिक स्टेट के अंदर आ गए दो और स्टेट, कौन कौन से? स्टेबल आइसोटोपिक स्टेट और अनस्टेबल आइसोटोपिक स्टेट। जब आप स्टेबल आइसोटोपिक स्टेट की बात करते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का डिसइंटीग्रेशन या एनर्जी का डीके, एनर्जी का रेडिएशन नहीं मिलता आपको, ठीक है। यहां पर शॉर्ट में लिख लीजिएगा इसके सामने कि नो डिसइंटीग्रेशन, नो डिसइंटीग्रेशन और डीके, किसी भी टाइप का एनर्जी डीके आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कोई डिसइंटीग्रेशन होके एनर्जी बाहर आ रही है, एनर्जी इन ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको एडिशनली। लेकिन जब आप अनस्टेबल आइसोटोप की बात करोगे तो यहां से आपको मिलेगा कौन सा कंडीशन, यहीं से निकल करके आएगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन जहां पे आपको दिखेगा ये रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। तो दे आर नोन एज द रेडियो आइसोटोप्स। अब आप समझ गए कि जब रेडियो एक्टिविटी का फंडामेंटल निकल के आता है तो वो कहां से निकल के आता है, और रेडियो एक्टिविटी का फंडा जो है वो इसी आइसोटोपिक स्टेट से बाहर निकल करके आता है, ठीक है। तो अब इसीलिए मैं आपको अब जब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जब मैं रेडियो एक्टिव एटम के स्टेट के बारे में बताऊंगा तो आपको रिलेट करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आपको समझ आ गया कि आइसोटोपिक के सिस्टम के अंदर ये आइसोटोपिक स्टेट जो होता है एटम का, वो भी दो फॉर्म में कैटेगराइज हो गया, स्टेबल और अनस्टेबल। तो मतलब अगर रेडियो एक्टिव है तो वो जरूर से अनस्टेबल आइसोटोप होगा, तभी जाके वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक। तो यहां तक का पॉइंट कंक्लूड कर लिए फटाफट से कि भाई प्रोटॉन की संख्या सेम लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, आइसोटोपिक स्टेट हो गया। अब न्यूट्रॉन की संख्या मैंने डिफरेंट बताया, ये नहीं बोला कि न्यूट्रॉन ज्यादा होगा या न्यूट्रॉन कम होगा, ठीक है। अब अगले स्टेट पर लेकर के चलता हूं आपको, बी पॉइंट हो गया, तो अब आते हैं हम लोग अपने सी पॉइंट पर, तीसरा स्टेट, पॉइंट नंबर सी, दिस इज द रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव स्टेट। तो एटम जो है अपने रेडियो एक्टिव स्टेट पर कब आएगा, तो आधा तो आपको समझ आ ही गया इसका कि भाई जब वो आइसोटोपिक फॉर्म में आएगा, और वो भी जब वो एक अनस्टेबल आइसोटोप बनेगा तब वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव स्टेट में अंतर क्या है, क्या कभी आप सोचें क्या ये दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं, रेडियो एक्टिविटी जो होता है इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जो कि समय के रिस्पेक्ट में, जिसको जिसका यूनिट भी होता है पर्टिकुलर, ठीक है। उसका यूनिट से क्वेश्चन आया था, शायद यूपीपीसीएल के पेपर में आया था, इसीलिए मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि रेडियो एक्टिविटी जो होता है एक प्रोसेस है, और उसका उसकी एक यूनिट भी होती है, उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर किया जाता है। और रेडियो एक्टिव स्टेट जो होता है दैट इज अ कंडीशन, दैट इज द सिनारियो, ये एक बेसिक सा कंडीशन होता है कि इस सिचुएशन पर कैसा होगा, ठीक है। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि अभी विंटर्स का मौसम चल रहा है, तो ठंड लगना है ना, या ठंडा मौसम होना इज अ बेसिक स्टेट, ठीक। और इस कंडीशन पे आपका जैकेट पहनना या आपका सुबह सुबह 2 किलोमीटर दौड़ के जाना ताकि शरीर में गर्मी आ जाए, वो एक सिचुएशन है, वो एक प्रोसेस है, ठीक है। तो वैसे रेडियो एक्टिविटी भी एक प्रोसेस है, इतनी सुबह कौन जाएगा दौड़ने बताओ ठंड के सीजन में, चलिए कोई बात नहीं। तो रेडियो एक्टिव स्टेट जो है वो क्या होता है, वो कब अराइज होता है, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग जरा। अच्छा, पिछले वाले में मैंने आपको शायद एग्जाम्पल नहीं लिखवाया ना, मैंने बोला था कि आखिरी में एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, बट इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखवाया शायद आपको, इसको इसके एग्जाम्पल को जरूर से लिख लीजिएगा। आइसोटोपिक स्टेट इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसी के नीचे, इसके एग्जाम्पल जैसे कार्बन की बात कर लो, C12, C14, ये सब उसके आइसोटोप्स हैं, है ना। जैसे कार्बन आइटम है तो C12 हो गया, C14 हो गया,
हाइड्रोजन का है, ड्यूटीरियम वगैरह हो गया, ये सब आइसोटोप्स हैं, ये सब के सब आइसोटोपिक फॉर्म पर अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। और जैसे प्रोटियम हो गया और ड्यूटीरियम हो गया एटसेट्रा, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आइसोटोपिक स्टेट के एग्जांपल्स हैं। मैंने कंप्लीट फॉर्म में इसमें लिखवा दिया कि रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव दोनों ही फॉर्म इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, रेडियो एक्टिव डीके वालों का एग्जाम्पल अगर आप पूछो तो C14 उसके एग्जाम्पल में आता है, यूरेनियम-235 उसके एग्जाम्पल में आता है, 238 उसके एग्जाम्पल में आता है, ऐसे ये सब इसके एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड तो खैर उसमें सेमी कनेक्टर की कैटेगरी में चला गया। ट्राइटियम जो है वो इसके एग्जाम्पल में आता है, उसको लिख सकते हैं, या मैं आपको तो उसको दूसरे वाले फॉर्म में लिखवा दूंगा, अभी जो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग जरा रेडियो एक्टिव स्टेट पर, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक। इसके बारे में लिखते हैं कि एटम्स जो हैं, व्हेन द एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रॉन बट सेम इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और डिफरेंट जब मैं बोल रहा हूं तो इसमें एक चीज फिक्स होगी कि हायर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कॉज द रेडियो एक्टिव स्टेट। इसकी वजह से क्या होता है कि रेडियो एक्टिव स्टेट जो होता है वो यहां पर अचीव होता है, कि इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम है बट यहां दो पॉसिबिलिटी है, न्यूट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन की संख्या भी अलग हो सकती है, तो मतलब इसमें जो मास होगा वो बहुत हाई होगा, और दोनों कंडीशन पे हाई ही है, न्यूट्रॉन्स की संख्या लो पर रेडियो एक्टिविटी का हो पाना मुश्किल है। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या जब हाई होगी तो क्या होगा कि वो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, जब वो अपनी अनस्टेबिलिटी को अटेन करेगा, जब जैसे ही वो अपनी अनस्टेबिलिटी को अटेन करेगा तो खुद को स्टेबल बनाने के लिए वो फटाफट से खुद को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा, एनर्जी को लूज करने की कोशिश करेगा, जो हमको रेडियो रेडियो एक्टिव डीके के फॉर्म में मिलती है। लिख लेते हैं इसको, दिस अनस्टेबिलिटी विल लीड टू रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एटम इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी, यानी अपने स्टेबल स्टेट में पहुंचने के लिए वो खुद को डीके कराना शुरू कर देगा, ठीक। अनबैलेंस या अनस्टेबल के स्टेट में हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, किसको एमिट करने लग जाएगा, ये न्यूक्लियॉन्स को एमिट करने लग जाएगा, ठीक है। सो द एटम विल स्टार्ट एमिटिंग द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब आप समझ गए ना, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल, दैट इज द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, जिस भी चीज की अधिकता है, तो ये कंडीशन होता है इसके अंदर का। अच्छा, ये पहली बार किसने ढूंढा था पता है? अब आपको मैं रेडियो एक्टिविटी भी लिखवा देता हूँ साथ में, रेडियो एक्टिविटी, ठीक। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, इसी के अंदर सब टॉपिक के तौर पर आपको लिखवा रहा हूँ। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि इट इज अ प्रोसेस दैट इज द डिसइंटीग्रेशन या एमिशन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, द डिसइंटीग्रेशन रेट और द रेट ऑफ एमिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम,
नॉर्मली बोला जाए तो इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट काम की है भाई, इसको लिख के रखिएगा जरूर से। इसकी यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की यूनिट, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है बैकेरल, बैकेरल, ठीक। बैकेरल क्यों? क्योंकि जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इस फंडामेंटल को जिन्होंने डिस्कवर किया था, रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिना को, उन्होंने क्या किया था, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया था कि अपने ड्रॉवर में रेडियो एक्टिव मटेरियल को प्लेस कर दिया था, ड्रॉ था उनका, ड्रॉ के अंदर उन्होंने प्लेस किया, और गलती से उसी ड्रॉ के भीतर फोटोग्राफिक प्लेट भी छूटे हुए थे, जो कि काले कपड़े में या काले कागज़ मतलब काले मटेरियल से वो रैप्ड थे पूरी तरह से। अब वो काले मटेरियल से या काले कपड़े से रैप होने की वजह से क्या हुआ कि अगले दिन जब उन्होंने चेक किया तो उनको उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रेडियो एक्टिव प्रिंट जो है वो दिखाई देने शुरू हो गए, जिससे उनको समझ में आया कि यहाँ पर ये मटेरियल तो लगातार डिसइंटीग्रेट हो रहा है, लगातार रेडियो एक्टिव डीके करवा रहा है। तो उससे उनको समझ में आया कि भाई एनर्जी लूज करने का फिनोमिना इसका चल रहा है, लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ड्रॉ में रख दिए तो बंद हो गया ये। तो इसीलिए इनके नाम पर इसको लिखा जाता है। यूनिट मिट गई क्या थोड़ी सी? अच्छा चलिए कोई नहीं, बैकेरल, BEQ है ना यहाँ पर, ये थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ, BEQ, QUERL, बैकेरल। इसलिए इन्हीं फिजिसिस्ट के नाम पर इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और स्टेट कर सकते हैं आपकी, वन बैकेरल इज इक्वल टू वन एमिशन या डिसइंटीग्रेशन, वन एमिशन पर सेकेंड, एक एमिशन या एक डिसइंटीग्रेशन जो ऑकर हो रहा है पर सेकेंड ऑफ टाइम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रेडियो एक्टिव स्टेट बोलते हैं, इसी को रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना के तौर पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए भाई अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जरा। तो ये तो हो गया रेडियो एक्टिविटी, इसके एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में लिखिए इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे C14 हो गया है ना, ट्राइटियम हो गया, यूरेनियम 235 हो गया, 238 हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं, ठीक। मतलब बोलने की बात ये है कि पीरियोडिक टेबल के भीतर एक से लेके 80 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स की बात होगी या जितने भी एटम्स की बात होगी, वो सब के सब का स्टेबल आइसोटोप बन सकता है। 80 के बाद के जितने हैं वो सब अनस्टेबल स्टेट के आइसोटोप्स फॉर्म करते हैं, मतलब वो सब रेडियो एक्टिव स्टेट पर जा सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। चलिए ठीक। अच्छा ये डिसइंटीग्रेशन वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, डिसइंटीग्रेशन वर्ड का मतलब होता है कि न्यूक्लियॉन जो है जो पार्टिकल्स एमिट करेगा, तो एक डिसइंटीग्रेशन मतलब एक पार्टिकल का एमिशन थ्रू द न्यूक्लियॉन्स। अब वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, ठीक है, उसी के लिए डिसइंटीग्रेशन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। वैसे आप सबको पता होगा ये चीज़, बट स्टिल अगर माइंड में डाउट आए तो इसलिए मैंने बता दिया ये चीज़। चलिए भाई अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। तो अभी तक हम लोगों ने दो स्टेट देख लिया ना, स्टेबल देख लिया, आइसोटोपिक देख लिया और रेडियो एक्टिव देख लिया, ठीक। चलिए आपको नेक्स्ट स्टेट पर लेकर के चलता हूँ। ए बी सी के बाद क्या आता है? डी आता है। डी पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द आयोन्स। मैं थोड़ा सा आराम से अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि बेसिक्स है, तो बेसिक्स एक बार अच्छे से समझ में आ जाए फिर तो आपको फटाफट से मैं कंप्लीट करवा दूंगा बाकी चीज़ें, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर क्रैश कोर्स जो है फुल कोर्स जैसा लग रहा है, ठीक है, बेसिक का पार्ट है, थोड़ा इसको डिटेल में ही पढ़ना जरूरी होता है, फिर उसके बाद फिर तो फटाफट से पढ़ेंगे सर्किट जहाँ से आएगा, फिर तो स्पीड से पढ़ना शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी लॉजिक लगाएंगे उस पर, ठीक है। और सर्किट्स के ड्यूरेशन पर आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर के आऊँगा तो और मज़ा आएगा आपको। बात करते हैं आयोन्स की, आयोन्स की बात करते हैं, आयोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए आयोन्स को लेके एसएससी जे के पेपर में 2016-17 के पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए थे, जहाँ पे पूछा था कि आयोन्स का स्टेट क्या होता है, आयोन्स किस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो ऑप्शन में था कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दूसरे ऑप्शन में था कि सिर्फ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तीसरे में था कि केवल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लास्ट ऑप्शन बोलता है कि दे हैव जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है कि दे आर चार्ज पार्टिकल्स। बात सिर्फ पॉजिटिव और सिर्फ नेगेटिव की नहीं है, किसी भी टाइप की चार्ज हो सकती है, बट दे आर ऑलवेज द चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब आयोन्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, आयोन्स क्या होते हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक, लिखते हैं इसके बारे में। द आयोन्स
आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स, आयोन्स आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स, और द चार्ज स्टेट, द चार्ज्ड स्टेट ऑफ एटम्स। एटम्स के चार्ज्ड स्टेट को हम लोग आयोन्स बोल करके रेफर करते हैं, ठीक है। तो आयोन्स जो है दोनों तरीके के हो सकते हैं, अगर वो चार्ज पार्टिकल हैं तो दे कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज, दोनों कंडीशन पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। कोई एक प्रकार की चार्ज की बात नहीं है, यहाँ दोनों चीजें पॉसिबल, ठीक है। कैसे फॉर्म होते हैं ये लोग, तो लिखता हूं मैं कि आयोन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम, व्हेन द एटम गेन्स और लूजेस द इलेक्ट्रॉन इन या फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट, इट्स आउटर मोस्ट एनर्जी बैंड। जब मैं आउटर मोस्ट एनर्जी बैंड की बात करता हूं तो मैं बेसिकली वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं उसके वैलेंस बैंड की बात कर रहा हूं, और वैलेंस बैंड से जब वो या तो लूज करे या जब वो गेन करे इलेक्ट्रॉन को, तब उस कंडीशन पर वो आयोन की तरह बिहेव करता है। मतलब तब उस कंडीशन में उस एटम का एक आयोन क्रिएट होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि सॉल्ट की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, तो NaCl का जब डिसइंटीग्रेशन आप देखोगे तो वहां पे Na प्लस हो जाता है और Cl माइनस पे दिखता है आपको, ऐसे Na प्लस NaCl माइनस। तो ये जो स्टेट आपको दिखाई देता है, ये दोनों कहाँ पर आप देखते हो, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो वहां पर भी ये चीज दिखाई देता है। ये सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयोन बन जाता है, और क्लोरीन जो है वो, क्लोराइड जो है इसका, जो क्लोरीन का जो है वो नेगेटिव आयन जो है वो क्रिएट होता है। तो ये कैसे क्रिएट होता है, किस आधार पे, कि किस आधार पे क्रिएट होगा? तो जब जब आपका एटम एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जब जब वो बाहर से दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, इन दैट केस इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। उस कंडीशन में वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। यही दो इसके बेसिक स्टेट होते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन में आपको कैटायन और एनायन के फॉर्म में पूछ लेता है तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक। पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज तक सबको समझ आता है, जैसी एनायन और कैटायन की बात होती है गड़बड़ हो जाता है वहां पर। तो उसको मैं लिखवा देता हूँ आपको प्रॉपरली, ठीक है। इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिएगा कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, तो उस कंडीशन पे क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव बन जाएगा कैटायन, और कैटायन का मतलब क्या हो गया, कैटायन का मतलब हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज। ये शॉर्ट में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको रिवीजन करने के समय ये सब स्टेट्स ध्यान में रहे। तो जब जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होगा तो उस कंडीशन में ये कैटायन बनेगा और पॉजिटिवली चार्ज कंडीशन अटेन करेगा। दूसरा केस, सेकंड केस इज कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, जब जब आपका एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बगल वाले एटम से, तो उस कंडीशन पर ये एनायन बनेगा, और ये कैसे होंगे, दे विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, दे विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। ये सब नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेट्स को ध्यान रखिएगा, इससे आपको मदद मिलेगी याद रखने में कि एनायन और कैटायन का सीन क्या है, ये कब कब फॉर्म होते हैं, किस कंडीशन पे फॉर्म होते हैं, है ना। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के फॉर्म में हम लोग जानते हैं, कई बार एनायन और कैटायन वाले फॉर्म में या एनोड कैथोड वाले फॉर्म में कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, तो हमको उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ओके। इसको बना लेंगे सभी लोग, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो अब यहां तक तो हो गया कि एटम के कुछ बेसिक स्टेट तो हम लोग बता लिए कि आयोन हो गया, आइसोटोप हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, स्टेबल हो गया, मैंने पांच लिखवाया था ना, चलो पांचवा वाला बताता हूं आपको, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। पांचवा स्टेट मैं यहीं पर लिखवा देता हूँ शॉर्ट में, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं लिखने को। ए बी सी डी ई, ई पॉइंट रहेगा ना, डी तक लिख लिया क्या, अच्छा। पांचवा स्टेट जो है इसके, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एंटी मैटर, लास्ट स्टेट इज एंटी मैटर।
एंटी मैटर का स्टेट जो होता है वो क्या होता है? एंटी मैटर स्टेट वो होता है जहां हर मैटर का अपोजिट, मास में बिल्कुल इक्वल, सभी चीज में बिल्कुल इक्वल, लेकिन जो भी चार्जेस होंगे उनकी अपोजिट चार्ज जो होगी वो उस एटम के भीतर क्रिएट होगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग एंटी मैटर। ठीक है, एंटी मैटर जो होता है ये भी अपने स्टेबल स्टेट पर ही होता है, ये भी स्टेबल स्टेट ऑफ एटम होता है, स्टेबल स्टेट ऑफ एटम, ऑफ एटम, बट स्टेबल स्टेट ऑफ एटम हैविंग सेम सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, इसके साथ साथ और एक चीज होती है, सेम मास भी होता है इसमें, एक ही चीज का अंतर होता है, सब कुछ सही है बट डिफरेंट, बट डिफरेंट चार्ज। इनफैक्ट और ज्यादा अच्छे से अगर आप बोलो, इसमें डिफरेंट चार्ज की जगह आप लिखिए अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज ये होता है। तो मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इनके पॉजिटिव चार्ज की जगह पे जो होता है, मतलब जैसे हमारे बेसिक एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो इनके जो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा वो हो सकता है नेगेटिवली चार्ज रहे, मतलब सारी चीज़ों का चार्ज बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है, तो इसीलिए इसको एंटी मैटर बोलते हैं। तो अब सपोज कर लीजिए कि जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, चलिए पेन उठा लेते हैं जरा यहाँ से, ये रहा। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये एक हाथ में एक पेन है, ब्लैक कलर का मार्कर है, ठीक है भाई, तो ब्लैक कलर का ये बोर्ड का पेन है मेरे पास, और इसका मुझे मान लीजिए ये किसी ना किसी एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना होगा, एक जैसे एटम्स जब खूब सारे मिले होंगे तो उनके कॉम्बिनेशन से ये फॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर मेरे पास बन गया। ठीक, अब इसी का हो सकता है कि कोई एंटी मैटर होगा मेरे पास दूसरी तरफ, एंटी मैटर में भी वही सेम एटम्स का अलाइनमेंट हुआ है, वही सारे के सारे सेम टू सेम अलाइनमेंट्स आपस में मिले हैं, और फर्क बस इतना है कि उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की चार्जेस अपोजिट है। तो इसके अगर इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह पर जिसको हम लोग देख रहे हैं उसकी चार्ज पॉजिटिव है। तो जब चार्जेस में अंतर है तो क्या होगा, ये दिखेंगे तो एक समान रहेंगे, बिल्कुल एक समान, लेकिन जैसे ही आप इन दोनों को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करोगे, जैसे ही आप इन दोनों को ऐसे कंबाइन करने की कोशिश करोगे, ये गायब हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, क्या बचेगा, नथिंग। क्यों? क्योंकि जब मैटर और एंटी मैटर जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं कुछ नहीं बचता है, एवरीथिंग वैनिशेस, चीज़ें जो है वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इवन डिस्ट्रॉय मतलब ऐसा मत समझिएगा कि जैसे बम बम फूटता है तो उसके पीछे कचरा रह जाता है, कुछ कुछ धुआं रह जाता है, कुछ बारूद रह जाता है, इस टाइप की चीज़ें होती है ना, लेकिन मैटर और एंटी मैटर के केस में अटोमिक लेवल पर भी कोई कचरा नहीं छूटेगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, एट द एंड आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं, वैनिश हो जाएगा, सीधे गायब हो जाएगा, इस तरीके का होता है। ठीक, तो अब हम इसको थोड़ा और देर पढ़ेंगे तो हम लोग मार्वल के यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे, तो अभी मार्वल कॉमिक्स के यूनिवर्स में नहीं जाते हैं, वापस आ जाते हैं हम लोग वहाँ से। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एटम के कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और एंटी मैटर के कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे आप एटम्स के बारे में पढ़ोगे, बेसिक एटम्स के लिए आप लिखोगे, तो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये होते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स का मतलब कोई भी चार्ज नहीं, ठीक, इस तरीके से इनका स्टेट होता है। अब इसी का जब आप एंटी मैटर पढ़ते हो, इसी के एंटी मैटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटी मैटर जो होते हैं इनके क्या स्टेट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे यहां पे होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन विथ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स जो है ना यहां पर क्या होते हैं, इसकी जगह पे होते हैं एंटी प्रोटॉन्स, एंटी प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज, बराबर नंबर के, चार्ज की लेवल भी सेम, सब कुछ बराबर, बस साइन जो है यानी कि इनका जो, इनकी जो पोलैरिटी होती है, पोटेंशियल जो होती है वो नेगेटिव होती है ना, इनकी साइन जो होती है वो नेगेटिव होती है, अपोजिट अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो इसमें होते हैं, न्यूट्रॉन्स का एंटी न्यूट्रॉन होता है।
इसमें तो कोई चार्ज होता नहीं है ना, तो एंटी न्यूट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं। तो इसीलिए जब किसी मैटर को आप उसके एंटी मैटर से मिलाते हैं, अगर सेम जैसे हर चीज़ का, हर मैटर का एक एंटी मैटर होता है, दुनिया में हर चीज़ का ऐसा होता है। इसी के बेसिस पे जब आप यूनिवर्सल लॉ पे आते हो, तो आप इनकी न्यूटन की तीसरी लॉ जो है वो पढ़ते हैं ना, कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वैसे ही दुनिया की हर ऑब्जेक्ट का इक्वल एंड अपोजिट एंटी मैटर भी अवेलेबल होता है। ये अलग बात है कि वो एंटी मैटर को डिस्कवर कर पाना इज अ डिफिकल्ट थिंग, कि आप उसको डिस्कवर कैसे कर पाते हो। ठीक, कुछ साल पहले अगर आपको ध्यान होगा तो उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट जो था वो परफॉर्म हुआ था, LHC का एक्सपेरिमेंट, लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर का एक्सपेरिमेंट था, जिससे कि कोशिश की जा रही थी कि एंटी मैटर डेवलप किया जा सके, जिसमें एक संभावना ये बताई जा रही थी कि अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो अर्थ पर ब्लैक होल क्रिएट होने का एक खतरा बन जाएगा। ये उस समय लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, अलग अलग लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि शायद ऐसा हो जाए करके, कि अगर अगर गलती से वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो एक ऐसा घटना भी हो सकता है इससे। तो काफ़ी साल पहले की बात है ये, तो आप अगर सुने होंगे या इंटरनेट पर कहीं पढ़े होंगे उसके बारे में, तो ज़रूर से आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ था, वहाँ पर एंटी मैटर क्रिएट करना करने की कोशिश की गई थी, जिसके हेल्प से हम अर्थ के फॉर्मेशन और बिग बैंग थ्योरी और ऐसे बहुत सारे जो अनसुलझे वाले जो कंसेप्ट हैं उनको लोग जान सकें, समझ सकें। ठीक है, पार्टिकल एक्सेलरेटर में हाड्रॉन्स को कोलाइड करवाया गया था, लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर था ही उस एक्सपेरिमेंट के नाम पर, तो वहाँ से ये चीज़ समझने के लिए किया गया था। तो वहाँ पर एंटी मैटर डेवलप करने की कोशिश की, तो फिजिकल फॉर्म में, असलियत में एंटी मैटर का फॉर्म वहाँ पर मिलता है। तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन्स का एंटी प्रोटॉन है। ठीक, तो खैर ये चलिए, ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको अभी नहीं बताऊंगा। जस्ट मैंने बोला आपको कि पांच स्टेट बताऊंगा, तो पांचवा स्टेट जो है वो ये रहता है। ठीक है, एंटी मैटर स्टेट ऑफ अ मटेरियल। हमको फोकस करना है सिर्फ चार स्टेट पर, शुरुआत के चार स्टेट पर। कौन कौन से? आयोनिक स्टेट कब फॉर्म होता है, आइसोटोपिक स्टेट कब फॉर्म होता है, रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव स्टेट जो है वो कब फॉर्म होता है, और चौथा स्टेबल स्टेट। इन सबसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, यहां तक का ये पॉइंट क्लियर आपको? अब आपको मैं दूसरे टॉपिक पर लेकर के चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा है? अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे अबाउट अबाउट अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लेकर के आता हूँ। अभी तो चलो हम लोग फिजिक्स जैसा पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा कन्फाइन करते हैं चीजों को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ठीक, तो एनर्जी लेवल ऑफ, एनर्जी लेवल बात करेंगे अब यहां से, एनर्जी लेवल फॉर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स एंड द सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के एनर्जी लेवल्स और एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, चलिए शॉर्ट में, आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी ना लिखाते हुए बिल्कुल शॉर्ट में मैं इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से तीन डायग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं, तीन डायग्राम में मैं आपको एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से, एनर्जी बैंड लेवल के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एक कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के एनर्जी लेवल्स पर कैसा डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए पहला डायग्राम यहाँ पर आप देख रहे हैं, देन उसके बाद सेकंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ से। दिस इज द सेकंड डायग्राम, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से थर्ड डायग्राम, तीसरा। ठीक, तीन डायग्राम्स आपके सामने मैंने बनाए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या क्या चीज़ का डायग्राम आप बना रहे हैं सर, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या ड्रॉन है। चलिए बस एक एक लाइन पे मैं बनाते जाता हूँ और आपको वो डेटा लिखवाता हूँ काम का, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ने को तो बहुत कुछ रखा है इन चीज़ों के अंदर, लेकिन हमको एक पॉइंट पर कन्फाइन करना पड़ता है कि एग्ज़ाम के हिसाब से हमको इतना ही पढ़ के चलना चाहिए। इतना अगर पढ़ेंगे तो ठीक है, नॉलेज के रिस्पेक्ट में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो चाहो तो, बट चूंकि एक कॉम्पिटिटिव पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे एक पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करनी जरूरी होती है कि हमको इस पॉइंट तक पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहां पर मैं तीन चीजों का डायग्राम बनाया हूं, मैंने तीन टाइप के मटेरियल्स का डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया आपके सामने। पहला वाला जो है, दिस इज अ डायग्राम फॉर कंडक्टर्स,
कंडक्टर्स। सेकेंड वन इज फॉर द इंसुलेटर्स, एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूँ मैं इंसुलेटर्स का। और तीसरा वाला जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज ऑफ सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, इन तीनों को इनके एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से हम लोग अभी समझने वाले हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। देखिए यहां पर सबसे लोएस्ट सेक्शन पर जो मैंने बैंड बनाया हुआ है इसका, इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। दिस इज द वैलेंस बैंड, ये सभी के अंदर है। ठीक है, यहां पर भी वैलेंस बैंड, यहां पर भी ये वैलेंस बैंड। ठीक, अब वैलेंस बैंड की स्टेट अगर आप देखें और इसके ठीक सामने येलो कलर से जो मैंने बैंड शो किया हुआ है दिस इज द कंडक्शन बैंड। इसका कंसेप्ट अभी मैं आपको बता देता हूँ, कंडक्शन बैंड यहाँ पर भी सेम है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं कंडक्शन बैंड, यहाँ पे भी शॉर्ट में लिख देता हूँ कंडक्शन बैंड। ठीक है, जब हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में यहाँ पर एक खाली हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, जो कि इसमें मिसिंग है, फर्स्ट वाले के अंदर मिसिंग है। बाकी दोनों में आपको सफ़ेद रंग का एक खाली सा मैदान दिखाई दे रहा है, खाली सा एरिया दिखाई दे रहा है, यही हमारे पास एनर्जी बैंड गैप है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी बैंड का गैप। दिस इज द, और इसको नॉर्मली टेक्निकल टर्म में बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप इसको बोलते हैं। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप यहां से यहां तक, यहां पे भी वही रीजन है, यहां पे नहीं है वो चीज। फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप जो है वो क्या करता है, वो आप यहां पर किसी भी टाइप की कोई एनर्जी नहीं रहती है और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन एनर्जी गैप एरिया में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस एरिया में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वहां कोई एनर्जी ही नहीं है। बेसिकली देखा जाए वहां पर कोई एनर्जी नहीं है। और वैलेंस बैंड के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन का या किसी भी एटम का आउटर मोस्ट रीजन जो होता है, जो सबसे कम फोर्स एक्सपीरियंस करता है अपने न्यूक्लियॉन्स की तरफ से, तो उसके न्यूक्लियॉन्स का सबसे कम जोर चल पाता है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो वैलेंस शेल पर स्टे कर रहे होते हैं। तो वैलेंस शेल जो होता है सबसे बाहर का रीजन होता है, सबसे बाहर की तरफ घूमता हुआ जो एलिप्टिकल ऑर्बिट करते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर सबसे कम बल लगता है अपने न्यूक्लियस से। तो इसका मतलब वो आज़ाद हो सकते हैं, उनके ऊपर चांसेस रहते हैं कि वो आज़ाद हो जाएं। जैसे क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल जब आप छोटे थे तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ही सोया करते होंगे, जैसा कि मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली अगर हम सब जैसे मिडिल क्लास से हैं तो हमारे यहाँ तो यही होता है कि भाई बचपन में काफ़ी लंबे समय तक पेरेंट्स के साथ ही सोते थे एक ही रूम के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब भाई ये दो रीज़न होती है कि एक तो डिसिप्लिन की पेरेंट्स को नज़र रखना होता है और दूसरा कि भाई मिडिल क्लास है तो उतने कमरे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अलग अलग कमरे में सब जाके सोए। हमारे यहाँ यही होता था, तो इस वजह से क्या होता था कि आपको पेरेंट्स के साथ सोना है तो आप जितने करीब हो पेरेंट्स के उतनी ज़्यादा उनकी नज़र में हो, तो उतनी ज़्यादा उनकी नज़र में हो तो उतने आपके बिगड़ने के चांसेस कम है। आज़ादी थोड़ी कम है लेकिन बिगड़ने के चांसेस भी कम है, लाइफ बढ़िया स्मूथ चलती रहेगी, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो बताते जाएंगे आप वो चीज़ पर मेहनत करते जाएंगे। ठीक, फिर क्या होता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाती है कि एक समय के बाद कमरा मिलता है कि अच्छा ठीक है आप दूसरे कमरे में सो लो। ठीक है, फिर दूसरे कमरे में सोते सोते आप थोड़ा सा छत पे और बालकनी पे निकल के फ़ोन में बात करने लग जाते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आप घर लेट से आना शुरू करते हो, तो वो जो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ने लग जाता है वैसे वैसे बिगड़ने की सिचुएशन भी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो वही डिस्टेंस यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये वैलेंस बैंड से जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे कंडक्शन बैंड जो है वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी कम होने लग जाएगी। अब आप पूछोगे सर कंडक्शन बैंड क्या होता है, चलिए वो तो मैंने बताया नहीं आपको। कंडक्शन बैंड क्या होता है, जब भी जैसे किसी कंडक्टर का कंडक्ट कर पाना, क्या कंडक्ट कर पाना, इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, हीट की भी बात कर सकते हैं बट स्पेसिफिकली मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी मैटर जो है या कोई भी मटीरियल जो है वो बिजली कंडक्ट तब कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तब कर पाएगा जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन पर इन एनी मेटल और इन एनी कंडक्टर। ये एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको बताया ताकि आपके दिमाग में रहे ये चीज़। तो अब कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपनी वैलेंस शेल से दूर हो जाते हैं और तब ये आज़ाद समझते हैं खुद को
और फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, इनको कोई भी किसी भी रास्ते पे भटका सकता है। ठीक, तो करंट एक दिशा में जा रही है तो ये भी उसको लेकर के जाएंगे। भाई करंट का मतलब ही है इन सब का फ्लो, सो दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल से इनको निकाल करके कंडक्शन शेल में लाना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वैलेंस शेल में जितनी ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका फ्री हो पाना थोड़ा मुश्किल है, जितनी कम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फ्री हो पाना थोड़ा सा आसान रहता है इनका। ठीक, तो बात करते हैं कंडक्टर्स की, और यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि मैंने आपको जो बताया फॉरबिडन एनर्जी गैप, इस गैप को पार करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स आपको कंडक्शन बैंड पर मिलेंगे। तो इस गैप को पार करने के लिए आपको कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ सकता है, कुछ एनर्जी, कुछ मिनिमम एनर्जी की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर, सो दैट कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड पर पहुँच जाएँ। वो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अभी उसी के रिस्पेक्ट में हम तीन अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को पहचानते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा, जल्दी से देख लीजिएगा इसको। कंडक्टर जो होते हैं इनके अंदर का एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो जीरो होता है, की पॉइंट्स है इसको लिखते जाते हैं। तो कंडक्टर्स के नीचे मैं आपको लिखवाता हूं यहां पर एनर्जी बैंड गैप इज जीरो, फर्स्ट थिंग। दूसरा, सेकंड पॉइंट, तो एनर्जी बैंड गैप जीरो हो गया। अच्छा, इंसुलेटर्स के केस में क्या हो गया? इन केस ऑफ इंसुलेटर्स द एनर्जी बैंड गैप इज हाईएस्ट। अच्छा, कि हाईएस्ट बोलने से तो काम नहीं बन जाएगा ना, कोई रेंज बताना पड़ेगा आपको, इवन ग्रेटर देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ऊपर के एनर्जी बैंड गैप रहते हैं। यहां पर कितना रहता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दीजिए। सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स के लिए आप लिख सकते हैं कि यहां पर जो एनर्जी बैंड गैप होता है, देयर एनर्जी बैंड गैप इज नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साइड पर लिखेंगे छोटा सा इसमें ब्रैकेट के अंदर कि इन सम केसेस 3 और 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 3 या 3.5 या 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास भी ये वेरी कर सकता है। जैसे कि कौन सी कंडीशन? जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एग्जांपल के तौर पे, इसके एग्जांपल में यही लिख लीजिएगा, अलग से नहीं कोट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के केस में एनर्जी बैंड की वैल्यू जो होती है 3.5 तक चली जाती है, 3.2 तक तो चली जाती है, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा सा डिफरेंस है जो आपको पता रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। एनर्जी बैंड की वैल्यू जो है 3 तक चली जाएगी तो सेमीकंडक्टर्स के आसपास चली गई, इंसुलेटर्स के अंदर तो 10 वर्स के रेंज में चली जाती है, 9 10 या उससे भी ऊपर, और कंडक्टर्स के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर रहती है। मतलब ये हो गया कि कंडक्टर्स के भीतर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप स्टेट पर रहते हैं, ओवरलैप स्टेट जो है वो रहता है। मतलब नॉर्मली एक रूम टेम्परेचर के भीतर भी ना, एक रूम टेम्परेचर पर भी किसी कंडक्टर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑलरेडी कंडक्शन के लिए तैयार रहते हैं, इस तरीके के होते हैं। तो कंडक्शन मतलब समझ लीजिएगा कि पढ़ाई में इंट्रोडक्शन, कि पढ़ाई का इंट्रोडक्शन के लिए कितने रेडी होते हैं। तो वैलेंस बैंड में होना मतलब समझ लीजिए कि आप जो है, वैलेंस बैंड मतलब आउटर मोस्ट शेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कंडक्शन मतलब क्या वो खुद से पढ़ाई कर सकते हैं? तो हाँ भाई, कंडक्टर्स अगर हैं तो वो खुद से पढ़ाई कर लेंगे, पेरेंट के प्रेशर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ दूर हो गए भाई साहब ये लोग, तो अब ये खुद से तो पढ़ाई नहीं करेंगे, इंसुलेटर बन गए, पढ़ाई के इंसुलेटर हो गए ये लोग। और सेमी कंडक्टर जो हैं इनका थोड़ा बहुत चांस है, भले थोड़े से दूर हो गए हैं पेरेंट से, वैलेंस बैंड में पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी इनको थोड़ी सी एनर्जी दे दो, थोड़ा सा सप्लाई दे दो, थोड़ा टेम्परेचर दे दो, हीट कर दो, है ना, मतलब मोटिवेट कर दो उनको थोड़ा सा, या पिटाई कर दो मतलब प्रेशर लगा दो, और कुछ नहीं तो बिजली का झटका दे दो, मतलब असली की बिजली का नहीं, थोड़ा सा दिमाग को इलेक्ट्रीफाई कर दो, तो वैसा कर दो, तो उस कंडीशन में ये लोग जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे और IIT निकाल लेंगे। ठीक है भाई, पॉसिबल है। ये इंसुलेटर्स का इनका कोई कुछ नहीं हो सकता, ये बिगड़ चुके, इनका सीन बदल चुका है यहाँ से। ठीक है, तो इनको अब जो है बस थोड़ा बहुत ठीक ठाक रास्ते पर लाया जा सकता है, इनको पढ़ाई के रास्ते पर लाना थोड़ा मुश्किल है। मतलब इंसुलेटर कंडक्शन बैंड पे पहुंच के कंडक्ट तो नहीं करने लग जाएगा, जल जाएगा उससे पहले, बट वो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक दिक्कत हो जाती है। कंडक्टर्स हमेशा कंडक्ट करने के स्टेट पर रेडी रहते हैं, खुद ब खुद वो लोग सेल्फ डिसिप्लिन लोग होते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसको समझ के चलिएगा। तो यहाँ पर जो स्टेट रहता है, दिस इज द ओवरलैप स्टेट, ओवरलैप्ड स्टेट होता है। तो मटेरियल वाइज डिफरेंस आप समझ गए, एनर्जी बैंड के हिसाब से डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अच्छा, वैलेंस बैंड का स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक्ड किस में होंगे, ये सोच के बताइएगा। भारी मात्रा में, ज्यादा संख्या में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, क्या आंसर होगा आपका? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर? द राइट आंसर इज इंसुलेटर्स, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। तीनों डायग्राम में से ये मत समझिएगा कि वैलेंस बैंड का साइज अलग अलग सर ने बना दिया है। वैलेंस बैंड जो है, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा मैं दिखा रहा हूँ भले आपको, बट वैलेंस बैंड का साइज जो है ऑलमोस्ट आप सेम कंडीशन पर ले सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि वैलेंस बैंड इसके अंदर और इसके अंदर टाइटली पैक स्ट्रक्चर पर होता है, मतलब बहुत ज्यादा फुल्ली कंटेन्ड होता है ये किससे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन से। तो वैलेंस बैंड जो होता है वो एकदम ऑलमोस्ट फुल रहता है, इसको शॉर्ट में लिख लीजिएगा, ऑलमोस्ट फुल। यहां पर भी वही कंडीशन है, ऑलमोस्ट फुल रहता है। तो इसी वजह से आपका सेमीकंडक्टर जो होता है, अच्छा सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप थोड़ी छोटी रहती है, तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट तो अभी भी ये इंसुलेटर की तरह ही रहेगा। लेकिन अगर बाहर से थोड़ा एक्साइटेशन दे दिए, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि टेम्परेचर दे दो थोड़ा सा, या प्रेशर दे दो, या लाइट एक्टिवेटेड अगर होंगे तो लाइट प्रोवाइड कर दीजिए, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करिए, इनमें से किसी भी स्टेट पर इनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, इनको इतनी शक्ति मिल जाएगी कि ये लोग यहाँ से जंप करके इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करते हुए कंडक्शन जोन में पहुँच जाएंगे। और जब ये अपने कंडक्शन जोन में पहुँचेंगे तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे? खाली वेकेंट स्पेस। वही वेकेंट स्पेस जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज गेन करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यहाँ पीछे अपने छोड़ जा रहे हैं ये लोग होल्स। होल्स में पॉजिटिव चार्ज है, अगल बगल और इलेक्ट्रॉन से जिनका नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। होल तो कहीं जा नहीं सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह पर अट्रैक्ट करेगा वो। तो मतलब इनकी जगह लेने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन चले गए उनकी जगह लेने के लिए अगल बगल के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे, और इस तरीके से कंडक्शन का प्रोसेस होता रहता है। तो सेमी कंडक्टर्स के कंडक्ट करने का फिनोमिना भी आप समझ गए इसी के साथ साथ, क्योंकि मैं अभी आपको अभी करंट या वोल्टेज या ईएमएफ के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ आज की क्लास में, इसलिए मैं उस टॉपिक पर नहीं लेके जा रहा हूँ। अदरवाइज हमको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अभी देखिए, अभी आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बताऊंगा, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट बताऊंगा, ईएमएफ एंड वोल्टेज के डिफरेंस को हम लोग स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के अंदर यही बेसिक चीज़ें पूरी रहेंगी, अलॉन्ग विथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एमएलटी वाला जो फॉर्म जो हम लोग लिखते थे, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स का फॉर्म, ये बेसिक इस चैप्टर के अंदर इतना कुछ आपको पढ़ना है। जिस पॉइंट पर ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक्स, जहाँ पे हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का एक छोटा सा बाइफरकेशन देख रहे थे, इसको किस फॉर्म में हम पहचान सकते हैं वो समझ रहे थे। अगली क्लास में जब आपसे मैं मिलूंगा, अभी हमको क्या क्या टॉपिक्स और पढ़ना है मैं बता दूँ आपको। हमको रजिस्टेंस का फंडामेंटल पढ़ना है, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इस सब का रिलेशन, ये कैसे डिपेंड करते हैं मटेरियल की टेम्परेचर के ऊपर, तो टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन खूब आता है एग्जामिनेशन में, वो पढ़ेंगे यहाँ पे। दूसरा, रेजिस्टेंस का चेंज ड्यू टू द चेंज इन इट्स फिजिकल डायमेंशन, मतलब लेंथ में चेंज कर दोगे, एरिया में चेंज कर दोगे। कभी कभी लिखा होता है ना सवाल में कि एरिया को डबल कर दिया कंडक्टर के और लेंथ को हाफ कर दिया, तो बताइए रेजिस्टेंस में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा, ऐसे क्वेश्चंस। कभी लिखा है कि एक तार है, उस तार को हम लोग 50% अधिक लंबाई पर लेकर के आ गए उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को बदले बिना, तो बताइए कि अब उसकी न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू में पिछली वाली से कितने का फर्क आ गया, प्रतिशत में बताइए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये वैरायटी के क्वेश्चंस बनाएंगे पहला। दूसरा, हम लोग टेम्परेचर कोफिशियंट समझेंगे कि पॉजिटिव टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर कोफिशियंट, ये क्या होता है। तीसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे करंट, वोल्टेज, पावर, ईएमएफ, ये चार बेसिक क्वांटिटी की, और हाँ एनर्जी पांचवी क्वांटिटी, ये पांच चीजों के बारे में बात करेंगे अलॉन्ग विथ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे फिर हम इसके आगे कि यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, इसको एमएलटी फॉर्म में इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ये सब ऐसे पॉइंट्स है ना, छोटे छोटे से पॉइंट जिससे क्वेश्चन बनता है यार एग्जामिनेशन में, और एक एक दो दो क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन वो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन भी इतने बेसिक टॉपिक से भी अगर छूट जाए तो कॉन्फिडेंस को वो शेक कर देता है, तो हमको वो नहीं होने देना है।
इसके अलावा जो हम लोग बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट कब से पढ़ते आए, कौन सा पार्ट है वो, रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग का, वो भी देखेंगे इसी चैप्टर के भीतर। तो काफ़ी कुछ अभी हमको इस चैप्टर में और देखना है, चिंता मत करिएगा, डिटेल फॉर्म में ये क्रैश कोर्स आपके लिए चलती रहेगी और मस्त तरीके से हम ये सारा टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक का चैप्टर है, इससे थोड़ा सा समय लग रहा है इसको पढ़ने में, जब हम लोग डीसी नेटवर्क से आ जाएंगे तो वहाँ तक आपको बेसिक फंडामेंटल पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा, तो उधर एफर्ट करना ईजी रहेगा, स्पीडली पढ़ना शुरू कर सकते हैं उस पॉइंट से, ठीक। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड अप करता हूँ, आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद।